साथियों नमस्कार। भाई बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के द्वारा आ रही है कि ऐसा जो मौसम अभी चल रहा है, इस मौसम में छोटे पप्पीज में स्किन डिजीज यानी इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इचिंग जब होती है तो वो ज़्यादा इचिंग करते हैं तो रैसेस बन जाते हैं और वही रैसेस आगे जा करके स्किन प्रॉब्लम का रूप ले लेते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा समस्याएँ आप लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही थी कि सर छोटे पप्पी में हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम टैबलेट नहीं दे सकते, हम उनको नहला नहीं सकते, तो अब क्या करें। तो भाई आज के इस वीडियो में एक ऐसा समाधान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसको इस्तेमाल करके आप छोटे पप्पीज में भी इचिंग या स्किन की प्रॉब्लम जो है उनको दूर कर सकते हैं। तो इचिंग के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं आपको एक बताने जा रहा हूं, उसमें क्या करना है। देखिए कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करवाते हैं उससे पहले एक छोटा सा काम हमें करना पड़ता है जिसको हम डिवॉर्मिंग का नाम देते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा देना बोलते हैं। और चाहे आप कोई सी भी, देखो हमेशा दवा ब्रांडेड ही देनी है, नहीं तो अपने पप्पी को आप ख़राब कर सकते हैं। ब्रांडेड दवा चाहे कोई सी भी हो, आपके पशु चिकित्सक रिकमेंड करे उस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इजी पेट, ये सिरप आती है यानी कि सस्पेंशन फॉर्म में आती है, और ये सस्पेंशन फॉर्म में आती है ड्रोनटॉल पप्पी, दोनों में से कोई सी एक आपको लेनी है ना, दोनों नहीं लेनी है, दोनों में से कोई सी भी एक आपको इस्तेमाल करनी है, चाहे ये लीजिए और चाहे ये लीजिए। अब मान लीजिए कोई सी भी आपने ले ली, चाहे ड्रोनटॉल प्लस ले ली पप्पी ले लिया या इजी पेट सिरप ले ली, 1 ml 1 kg बॉडी वेट। भाई डोज कितनी है, 1 ml। अब कितने kg का आपका पप्पी है उसके हिसाब से देख लीजिए, 2 kg का 2 ml, 4 kg का 4 ml, 8 kg का 8 ml, इस हिसाब से आपको देनी है। और जहाँ बात की बात आती है, स्नान करवाने की बात आती है, तो हम जब तक वो 3-4 महीने का नहीं हो जाता तब तक स्नान नहीं करवाते हैं अक्सर। तो वहाँ क्या करेंगे, आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, उसे किसी भी सूरत में गीले में नहीं जाने दीजिए, अगर वो गीले में चला ही गया है तो किसी सॉफ्ट टॉवल से उसको तुरंत ही सूखा कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रायर, हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना है, लेकिन पंखे के नीचे आपने बिठाया और सॉफ्ट आपने टॉवल लिया और उसे थोड़ी देर की मेहनत से ही, ग्रूमिंग से ही, वो कम्प्लीटली उसके हेयर जो है, उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो स्किन को आप ड्राई रखिए, किसी भी सूरत में जहाँ से गंदा हो रहा है आपने हल्का सा वेट टॉवल लिया और उससे आप उसको साफ कर लीजिए, किसी भी सूरत में उसको गंदा मत रहने दीजिए, किसी भी सूरत में उसको गीला मत रहने दीजिए और डिवॉर्मिंग करवाइए। अब इतना करने के बावजूद भी खुजली की शिकायत हो रही है और साथ में प्रॉब्लम हो रही है, रैसेस बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। देखिए नारियल का तेल आप हमेशा यूज़ करते हैं, नारियल का तेल और एल्मिजोल लोशन, ये जो आपको लोशन दिख रहा है ना, इसकी जगह किसकिन लोशन भी लिया जा सकता है, किसकिन का भी रिजल्ट अच्छा है तो एल्मिजोल का रिजल्ट भी अच्छा है। तो एल्मिजोल लोशन आपने लिया थोड़ा सा और बराबर मात्रा में नारियल का तेल लिया, दोनों को मिलाया और अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ से वो इचिंग कर रहा है, जहाँ जहाँ रेशेज हो रहे हैं वहाँ आप आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल ठीक कर लेंगे कंप्लीट। और अगर इससे आपको लगता है कि रिजल्ट कुछ कम मिल रहा है तो आप एक टिकिया कपूर की भी पीस करके मिला सकते हैं और कई जगह कपूर का रिजल्ट भी बहुत ही शानदार मिल रहा है। बाकी ये दोनों बिल्कुल सेफ है, आप आराम से लगा करके जो भी पपीज में इचिंग हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। डाइट का पूरा ध्यान रखिए, डिवॉर्मिंग का पूरा ध्यान रखिए और डाइट में आप बैलेंस्ड डाइट यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कई प्रकार के पपी स्टार्टर फूड आते हैं, अगर एलर्जी हुई है तो हाइपो एलर्जिक पप्पी स्टार्टर फूड ला करके और आप उसको खिलाना शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तली हुई चीज़ें, नमक, नमकीन या फिर मीठा अगर आप खिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, उसको एक बार के लिए रोक दीजिए ताकि ये कंप्लीट जो फूड एलर्जी भी हो सकती है तो वो भी एकदम से ठीक हो जाए। इसके अलावा अगर आप डॉग ट्रीटमेंट के बारे में, डॉग्स के बारे में ऑल ओवर जानकारियाँ चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर डॉग सेशन चलता है हर महीने की 11 तारीख से लाइव सेशन, उसमें हिस्सा लेकर के आप अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं, हर एक बीमारी के बारे में डीपली नॉलेज, चाहे वो बचाव है, इलाज है, हर प्रकार का इलाज है, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सभी वहां पर सम्मिलित किया जाता है। तो आप अगर चाहें वेटनेरियन हैं या डॉग कैनल चला रहे हैं, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, तो भाई नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, जो नॉलेज आपको रामावत एनिमल ऐप पर मिल जाएगी। और इसी ऐप पर रात को 10 से 10:30 के बीच मैं लाइव आता हूँ डॉग डिजीज सेशन में, तो वहाँ पर आप अपनी कंप्लीट समस्याएँ भी मेरे से शेयर कर सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं।